तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं कहता हूँ क्या सब लोग ठीक है? सरप्राइज लगा ना? देखो क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कुछ एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना DSLR और नए कपड़े पहन लिए जाए शो ऑफ करने के लिए। तो बस हूँ। और देखो आज वाला जो वीडियो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं टेलीग्राम से पिक्चर तो डाउनलोड करके देखता हूँ, इलीगल थोड़ी हुआ वो, इलीगल होता तो गवर्नमेंट बैन नहीं कर देती। तो इससे पहले कि टॉपिक के ऊपर हम लोग विचार विमर्श करें, आप लोग है ना अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या लगता है टेलीग्राम से पिक्चर सीरीज डाउनलोड करके देखना लीगल है या नहीं। सच बोलूं तो मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था ज्ञान पहनने का, तो मैंने बोला चलो टॉपिक उठा ही लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को उनकी खुद की नजरों में गिरा देते हैं क्योंकि आप सब के सब क्रिमिनल हो। मेरे को छोड़ के मैं तो बहुत सज्जन है, मैंने तो भाई टेलीग्राम का नाम भी नहीं सुना, क्या होता है ये? तो देखो सबसे पहली बात, मूवी सीरीज को डाउनलोड करके देखना लीगल है या इलीगल है ये डिसाइड होता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन एंड इंफ्रिंजमेंट लॉज के अंदर। मैंने लॉ की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है इसलिए ये सब कुछ बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोलने में गलत हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी ही पढ़ाई की है, वो भी आधे मन से। और ये जो एक बहुत ही गहरा ट्विस्टेड बवंडर है ना कॉपीराइट लॉज, उसमें अगर घुसने जाओगे तो फिर सच में दिमाग आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक देश के अपने अलग लॉज है कॉपीराइट को लेके, कितने सालों तक वैलिड होता है, उसके अंदर क्राइम क्या है, क्राइम की पनिशमेंट क्या है। अगर आप लोगों ने US में बनी हुई पिक्चर यहाँ पे देखी तो फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, US वाला या इंडिया वाला, बहुत मगजमारी है। तो इसीलिए मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिसका मतलब ऐसा होता है कि मेरी बताई हुई चीज एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होगी, ट्रांसलेशन में थोड़ा इधर उधर और बाकी नॉलेज में भी थोड़ा इधर उधर, क्योंकि रिमेम्बर मैंने लॉ थोड़ा ही पढ़ा है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि इलीगल क्या है। देखो अगर किसी दूसरे इंसान ने अपना नॉलेज, अपनी स्किल, अपना टाइम लगा के अगर कोई चीज बनाई है, फोटो, वीडियो, म्यूजिक या फिर कुछ भी, वो बनाई हुई चीज का आप लोग यूज करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, लेकिन रिटर्न में कुछ पैसे वगैरह नहीं देते, तो इसको हम लोग एक जनरल सेंस में कॉपीराइट लॉस के अंदर इलीगल यूज बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग एग्जांपल के लिए खुद यहाँ पे सोचो कि आप एक सिंगर हो, आपने गाना लिखा, आपने म्यूजिक दिया, आपने गाना गाया, गाना बन के रेडी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक तीसरे वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करते हैं और दिन में 50 बार सुनते हैं। आप जो सिंगर हो आपको उससे पैसे मिले नहीं मिले तो बुरा लगेगा ना, आपकी जिंदगी डिपेंड करती है उसके ऊपर। सारे के सारे लोग अगर आपके गानों का ऐसा यूज करने लगे तो फिर 1-1.5 महीने में बस ट्रेन में ऐसा बजा के गाना पड़ेगा, और ट्रेन में कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को जो एक बात बोली ना वो जनरली ट्रू था, लेकिन इस चीज के एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, यार फिर तो मैं स्पॉटिफाई या फिर JioSaavn जैसे एप्स पे फ्री में गाना सुनता हूं, मैं थोड़ी उनका पैसे देता हूं, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो क्या वो भी इलीगल हुआ? नहीं, क्योंकि यहां पे भले ही आप पैसे नहीं दे रहे हो लेकिन स्पॉटिफाई, JioSaavn या फिर जो भी म्यूजिक ऐप है वो लोग क्रिएटर को पैसे दे रहे होते हैं और उसके बदले आप लोगों को ऐड दिखाते, तो ये 100% लीगल हुआ। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक तीसरे वेबसाइट पे जाते हो www.freemedownloadkarosongs.com और वो भाई साहब ने गाने अपने सर्वर पे होस्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने डाउनलोड करके सुन लिए, इलीगल हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा निकलता है कि अगर ये चीज इलीगल है मूवी सीरीज या फिर गानों को डाउनलोड करके देखना सुनना, तो क्या उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है? एकदम शॉर्ट में अगर इसका आंसर बोलूं तो हाँ कर सकते हैं, और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के ऊपर केस किया जा सकता है, आपके ऊपर फाइन मारा जा सकता है, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज का भी एक्सेप्शन है कि मोस्ट प्रोबेबली डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं टेलीग्राम की, तो फिर आप लोग अगर टेलीग्राम से कुछ डाउनलोड करते हो वहां पे उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर आपने पहले कभी किया है ना आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसके ऊपर से ना देखो पिक्चर टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखना एक क्राइम तो है, लेकिन उससे भी बड़ा क्राइम है उस पिक्चर को बिना पैसे दिए अपलोड करके शेयर करना, तो इसका मतलब आप क्रिमिनल हो, लेकिन आपसे बड़ा क्रिमिनल वो टेलीग्राम चैनल का ओनर हुआ। इसका मतलब अगर पकड़ने की नौबत आई तो सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल वाले को पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली टेलीग्राम का सेवन करते हो तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो, यार मामला सीरियस है। रुको थोड़ा, यहाँ पे ना एक और चीज आपके फेवर में काम करती है कि ये मूवी सीरीज डाउनलोड करके देखना इलीगल तो है, लेकिन इस चीज को इतने ज्यादा लोग करते हैं, इतने ज्यादा लोग करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया सबको पकड़ने का तो आधे से ज्यादा देश अंदर हो जाएगा, जेल कम पड़ जाएगी, लोगों के घरों को जेल बनाना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए जनरली मास पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, इसका मतलब कि आप 99% तो सेफ हो। हाँ, लेकिन अगर एक बार गवर्नमेंट की सत्ता डिज्नी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गई ना, फिर तो भाई लग गए, बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो। क्राइम क्या है आपका? सर मैंने फ्रोजन टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखी थी, 7 साल के बच्चों वाली पिक्चर है जिसके लिए अब मैं 7 साल जेल जाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो एक थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज दी ना, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट आंखों पे पट्टी बांध लेगी और कभी किसी को हाथ ही नहीं लगाएगी। मतलब ये जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन लॉ है ये तो हमने सिर्फ
पेपर पे लिखने के लिए बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, मास पब्लिक ने ये सारी चीजें की हुई है इसलिए नहीं पकड़े जाते। लेकिन अगर उसमें से कोई एक बंदा या फिर एक ग्रुप ऐसे उठ के दिख जाए ना, फिनिश। और इसीलिए ना बहुत बार मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग करके पूछते हैं कि भाई ये पिक्चर सीरीज कहां से देखूं। मैं उनको आंसर नहीं देता क्योंकि अगर मैंने कुछ एडमिट कर लिया तो भाई मैं फंस सकता हूं। 5.5 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो एक बंदा वो बना रहा है, जो बोल रहा है कि हाँ मैंने ये यहां से किया है, उसके ऊपर जरूर पकड़े जा सकते हैं। भगवान मेरी रक्षा करना। यहां पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, अगर आप शार्प हो तो। शार्प नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया ना कि फिर इतने सारे टॉरेंट के वेबसाइट्स हैं जो कि मूवी रिलीज होते ही उसके 2-3 घंटे के अंदर सब जगह फैला देते हैं, ये सारे वेबसाइट्स आज भी कैसे काम कर रहे हैं? वेल, अब इस बारे में मैं ज्यादा ज्ञान पेल तो नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज में। लेकिन वो लोग जरूर कोई ना तो कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज कर रहे होंगे। वेबसाइट सब लोगों को दिख रही है, लेकिन वो वेबसाइट चला कौन रहा है ये आइडेंटिटी छुपा के रखना। और क्योंकि ये जो कॉपीराइट वाला मामला है वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं, मतलब किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे मेंटालिटी के कारण ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती। जितनी ताकत एक मर्डरर को पकड़ने में लगाती अगर उतनी ताकत टेलीग्राम पे पिक्चर अपलोड और डाउनलोड करने वाले को पकड़ने के लिए लगाई जाए तो फिर सोच लो खुद ही क्या होगा। जेलों के अंदर सब मिलेंगे एक तरीके से, भाई हाँ ये पिक्चर मस्त है, नहीं वो सीरीज मस्त है। लेकिन फिर भी कॉपीराइट का जो लॉ है उसको एनफोर्स करने के लिए स्टेप्स जरूर उठाए जाते हैं। इसलिए आप लोग देखोगे कि बहुत बार कोई टेलीग्राम का चैनल बैन हो गया या फिर किसी वेबसाइट को डाउन कर दिया है तो काम करते हैं लोग। ऐसे पूरी बुराई करके कैसे चलेगा यार, पता चला मेरे को ही उठा लिया। लेकिन अब जब टेलीग्राम चैनल बैन करने की बात कर दी है, अगला क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि क्या टेलीग्राम ऐप बैन हो सकता है? क्योंकि आप लोग सोचने जाओगे टेलीग्राम के ऊपर इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, उनको एक एक करके बैन करने से अच्छा सीधा टेलीग्राम ही बैन कर दो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक झटके में। वेल, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात आप लोगों को बताऊं। वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि टेलीग्राम जो है वो एक मैसेजिंग ऐप है। टेलीग्राम का मेन पर्पस पायरेसी को प्रमोट करना नहीं है, उसको बनाया इसलिए था ताकि लोग आपस में बात कर सके, फोटोज वीडियोज आपस में शेयर कर सके, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। हाँ, अब लोग उसके अंदर जाके कुछ पिक्चर या फिर सीरीज शेयर कर रहे हैं, ये लोगों की फॉल्ट है, टेलीग्राम का नहीं। इसीलिए टेलीग्राम सेफ है, क्योंकि अगर ऐसे सीधा ऐप को बैन करने चले गए ना तो फिर व्हाट्सएप तो सबसे पहले उड़ना चाहिए। भाई पेरेंट्स इतने गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज फोटोज कॉपीराइट वाला मारेगा व्हाट्सएप को। ये फर्क है टोरेंट वेबसाइट में और टेलीग्राम में। नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बैन जरूर कर सकती है, लेकिन टेलीग्राम के पास एक मजबूत वाला डिफेंस है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपको पहले से पता नहीं था तो फिर जान चुके हो कि पिक्चर वगैरह ऐसे डाउनलोड करके देखना टेलीग्राम से इलीगल है। तो क्या इसका मतलब आपको वो करना चाहिए? क्या आप लोगों को टेलीग्राम से मूवी सीरीज डाउनलोड करके देखनी चाहिए? मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज इलीगल है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, आप भी मत करो। पायरेसी बहुत ज्यादा बुरी चीज है और ये नहीं करना चाहिए। ये सब बोलना पड़ता है वरना इस एक वीडियो के कारण मैं ना अटक जाऊं। आप लोगों को क्या, आपको नॉलेज मिल गई, फिर न्यूज मिल जाएगी कि हाँ ये जो एक BNFTV चैनल है गया, क्यों उसने पायरेसी रोकने के ऊपर एक वीडियो बना दी लेकिन एंड में हाँ बोल दिया तो गया। आप लोग तो मस्त अपनी जिंदगी कंटिन्यू करोगे, मुझे ये कैमरा बेच के फीस भरनी पड़ेगी लॉयर को। मतलब पायरेसी को लेकर कोई भी सीरियस नहीं होता जब तक वो चीज उनके साथ ना हो। अगर कोई बंदा मेरे ही वीडियोस उठा के फेसबुक या फिर कहीं और जगह जाके डाल रहा है, व्यूज पैसे कमा रहा है, तो मुझे बुरा लगेगा ना यार, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर से ये जो मूवी सीरीज डाउनलोड करने की जगह होती है वहाँ पे बहुत बार फेक लिंक्स मिलते हैं, लिंक्स पे क्लिक किया तो वायरस आने का चांसेस होता है, तो रिस्क भी है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में अगर आप सोचने जाओगे ना तो फिर नेटफ्लिक्स जैसी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने इतने ज्यादा मूवी और सीरीज देखने के ऑप्शंस आ जाते हैं सिर्फ थोड़े से पैसे देके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि 500 रुपए नेटफ्लिक्स पर मंथ बहुत ज्यादा महंगा है, भाई थिएटर में जाओ एक पिक्चर देखने का 500 रुपए देना पड़ेगा, उतने में महीना निकल रहा है और पूरे महीने 2400 घंटे आप कुछ ना कुछ देख सकते हो। ये स्ट्रीमिंग सर्विस के कारण पायरेसी एक्चुअल में कम हो सकती थी। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि नेटफ्लिक्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वाहवाही कर सकूं, पेड प्रमोशन है ये, तो नहीं। स्टार्टिंग में ये जो स्ट्रीमिंग सर्विस है ना उनका आइडिया बहुत ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन आज के टाइम पे तो हलवा बन चुका है। इतने ज्यादा स्ट्रीमिंग सर्विस आ चुके हैं, कौन सी पिक्चर कहां अवेलेबल है ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद हर एक का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो थिएटर में जितनी मूवीज देखोगे उससे महंगा हो जाएगा, जिसके कारण एक्चुअल में पायरेसी और ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पहले जो मूवी 2-2, 3-3 महीने तक एकदम खराब क्वालिटी में अवेलेबल होती थी, वो आज अगले ही दिन अगले घंटे एकदम मस्त चकाचक क्वालिटी में किसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और यार देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि ये चीज खराब है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक ट्रिकी सिचुएशन जरूर आ जाते हैं। कोई लोग बोलेगा कि यार वो गरीब है, स्टूडेंट है, पैसे नहीं दे सकता, क्या करे। और इसके ऊपर से पायरेसी नाम की जो चीज है ना उसका एक प्लस पॉइंट भी है, सिल्वर लाइनिंग। एग्जाम
एग्जांपल देना हो तो फिर आमिर खान, इन्होंने एक मूवी निकाली थी थ्री इडियट्स, और उस पिक्चर को चाइना के अंदर इतने लोगों ने देखा लेकिन इलीगल डाउनलोड करके, लेकिन पिक्चर लोगों को पसंद आई और आमिर खान का नाम बन गया है वहां पे। क्यों? पायरेसी के कारण, जिसका बेनिफिट उनको मिला दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार पिक्चर के लिए। इतना पैसा उन मूवीज ने कमाया ना चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर जितना पैसा कमाया था उससे दो गुना, तीन गुना, चार गुना ज्यादा पैसा कमाया चाइना में। तो यहाँ पे पायरेसी का एक इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। पायरेसी इज बैड, टेलीग्राम से मूवीज डाउनलोड करके देखना इज बैड, इट्स इलीगल। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप क्रिमिनल हो, और देखो अगर लॉ या फिर गवर्नमेंट से कोई ये वीडियो देख रहा है, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि लोग खुद कमेंट सेक्शन में जाके बोले कि हाँ मैंने टेलीग्राम से पिक्चर डाउनलोड की है या फिर मुझे लगता है कि वो लीगल था, पकड़ लो। एक साथ इतनी सारी मछलियां ला के दे रहा हूं मैं, मुझे मत पकड़ना, बस बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करूंगा। चीजी लाइन बोल दिया यार। वीडियो के अंदर का ज्ञान आप लोगों को कैसा लगा, कुछ चीज गलत बोल दिया तो फिर वो करेक्ट कर देना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने, तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, वरना अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। बोल चेकबुक के एक पेज के ऊपर ना ऐसे दो आड़वी लाइन मारने का, बीच में कैंसिल लिखने का, वो कैंसिल चेक होता है। मतलब कैंसिल चेक का मतलब नहीं पता इसको, MBA किया है।